आरएसएस निश्चित रूप से एक जातिवादी संगठन है। दलित और आदिवासी जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उन पर खास तौर पे आरएसएस का एक फोकस रहता है। धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कब हमने बाकी धर्म के लोगों से नफरत करना शुरू कर दिया। जब मैं 13 साल का था तब गांव के खेल मैदान में खेलने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग इकट्ठा होने लगे। हमारे जो भूगोल के टीचर थे वो हमको आकर के और रोज इकट्ठा करते थे और करीब 1 घंटे तक हम खेल खेलते, व्यायाम करते और कुछ नारे लगाते, कुछ गीत गाते और कुछ बातें करते थे। तो ये सिलसिला जब 5-6 महीने तक चलता रहा, इसके बाद धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो हम रोज मिलते हैं और खेल खेलते हैं ये केवल खेल नहीं खेल रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस उसकी ये शाखा लगा रहे हैं और हम सब लोग जो हैं उसके स्वयंसेवक हैं। शुरू शुरू में अपने धर्म की, अपनी, अपने गांव की, अपने समाज की, अपनी संस्कृति की महानता की बातें करते थे और ये बातें चलती थी कि किस तरीके से हमारा जो आर्य रक्त है वो बिल्कुल शुद्ध आर्य रक्त है, हम इस देश के वफादार लोग हैं, हमारा ये देश है, यही हमारी पुण्य भूमि, कर्म भूमि और जन्म भूमि है, जबकि अन्य जो धर्म के लोग हैं उनकी पुण्य भूमि कहीं बाहर है, ईसाइयों की जेरूसलम में है, मुसलमानों की मक्का मदीना में है। धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कब हमने बाकी धर्म के लोगों से नफरत करना शुरू कर दिया। ये दिल और जहन में बैठ गया कि मुस्लिम जो हैं वो अपनी जनसंख्या तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत सारी शादियां करते हैं, बहुत बच्चे पैदा करते हैं, उनकी मस्जिदों के नीचे असला होता है, हथियार होते हैं और वो बहुत क्रूर लोग होते हैं। हम लोग जब निकले भीलवाड़ा से अयोध्या के लिए, अजमेर तक जब हम आए तो हमारे साथ काफी सारे भीलवाड़ा के जो आरएसएस के वेतनु परिषद के जो नेता थे वो लोग भी साथ में आए, लेकिन जब अजमेर से हम लोग अयोध्या के लिए निकले, लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ी हमने, तो वो लोग हमको ट्रेन में बिठा करके और वो लोग नीचे रह गए और हम लोग ट्रेन में बैठ करके रवाना हो गए। मैंने पूछा कि ये क्या हो गया, क्योंकि इनको भी तो साथ आना था, ये तो साथ ही चलने वाले थे। तो तब ये कहा गया कि ये वापस जाएंगे और लोगों को भेजेंगे और इसके बाद ये सीधा हमको अयोध्या में मिलेंगे। रास्ते में जिस ट्रेन के डब्बे में हम लोग थे, ज्यादातर तो हम ही लोग थे कार्यक्रम, लेकिन उसमें कुछ मुस्लिम मुसाफिर भी यात्रा कर रहे थे और क्योंकि उनको देख करके हम लोगों को बहुत आक्रोश था कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से राम जी का मंदिर नहीं बन पा रहा है और ये लोग आराम से यात्रा कर रहे हैं और हम लोग जो भगवान राम के लिए जा रहे हैं हम लोगों को खड़े खड़े इसमें यात्राएं करनी पड़ रही है। तो एक तरह का बिल्कुल उनको देख करके जोर जोर से नारे लगाना, सुगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, ये सारे नारे लगाते हुए और बहुत उनको दूर दूर से देखते हुए। बीच में ही टुंडला स्टेशन पे गिरफ्तार होकर के और आगरा स्टेडियम जेल, जो एक अस्थायी जेल थी बहुउद्देश्य स्टेडियम में, उसमें 10 दिन रहने के बाद मैं लौट के आ गया। जिस बाबरी मस्जिद को मैं पिछली बार तोड़ने के लिए गया था वो टूट गई और उसके टूटने की कोई खुशी भी नहीं थी मुझे, कोई ऐसा बहुत खुशी नहीं हो रहा था, न मैं उसके किसी जश्न में शरीक हुआ, न मैं कोई मिठाई उसकी खाई, मैंने सिर्फ केवल देखा उसको और बस बिना कोई रिएक्ट किए मैं वापस लौट गया। कारसेवा के बाद में हमारे यहाँ पर मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो एक बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में 2 लोग मारे गए और उन मारे गए लोगों और अयोध्या में मारे गए लोगों की अस्थियां लेकर के जब अस्थि कलश यात्रा मेरे घर में आई और उनके लिए जब हमने खाना बनाया तो उन लोगों ने हमारे घर में खाना खाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए इनकार कर दिया कि बाकी जो साधु संत आए हुए हैं वो नहीं जानते कि ये दलित स्वयंसेवक का घर है
और हम ये खाना पैक करके यहाँ से ले जाते हैं जो बाकी जगह पर जाकर के खाएंगे। लेकिन उन्होंने वहां पर खाया नहीं बल्कि उसको फेंक दिया। और जब ये खबर मुझे मिली उसी के साथ एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था जिस दिन मैंने आरएसएस को पूरी तरीके से छोड़ दिया। तब मैंने सोचा कि मुझे इस धर्म में नहीं रहना चाहिए जिस धर्म को बचाने का और जिस धर्म की महानता का गुणगान आरएसएस करता है। और उस उन्हीं दिनों में मैंने धर्मांतरण के विकल्पों पर सोचने की शुरुआत की। चूंकि आरएसएस की पूरी जो मेरी ज्ञान था उसमें ये था कि सिख बौद्ध जैन ये सारे ही जो धर्म हैं ये तो हिंदू धर्म के ही पंथ हैं, छोटे छोटे संप्रदाय हैं, तो उनके बारे में तो बिल्कुल उन विकल्पों पे सोचा ही नहीं। और चूंकि आरएसएस छोड़ चुका था लेकिन मुस्लिमों के प्रति जो 5 साल तक मेरे भीतर जो उनके प्रति एक नफरत का भाव पैदा हुआ इसकी वजह से मुस्लिम और इस्लाम के बारे में भी सोचने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं। चूंकि क्रिश्चियन से भी आरएसएस के लोग काफ़ी चिढ़ते थे और उनके भी बड़ा विरोध करते थे, तो मैंने वो कोशिश की लेकिन उनके भीतर के जो अंतर विरोध हैं उनको देखते हुए मैं वहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया। तो मेरी धर्मांतरण की जो तमाम कोशिशें थी वो असफल हो गई। दलित और आदिवासी जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उन पर खास तौर पे आरएसएस का एक फोकस रहता है, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो अभी समझते नहीं है, उन बच्चों पर पूरा फोकस रखा जाता है। इन बच्चों को शाखा में ले जाना शुरू किया जाता है और उनको बड़ा मान सम्मान के साथ पुकारना, बात करना, उनके घरों तक जाना। दलितों को अपनी जो रिहाइश की बस्तियां हैं वहां जो पड़ोसी मुस्लिम रहते हैं उनके साथ जो उनके छोटे छोटे झगड़े हैं उन छोटे छोटे झगड़ों को उभार करके उनको आगे बढ़ा करके, इसी तरीके से जो आदिवासी विस्तार हैं वहां पर जो क्रिश्चियंस मिशनरीज हैं उनके खिलाफ आदिवासियों को भड़का करके आरएसएस इनको लामबंद करने का काम कर। आरएसएस निश्चित रूप से एक जातिवादी संगठन है और आरएसएस के कैडर को अगर आप देखेंगे नीचे से लगा करके ऊपर तक ज्यादातर लोग 95% आरएसएस के जो वर्कर हैं वो दलित विरोधी मानसिकता के हैं, आदिवासी विरोधी मानसिकता के हैं, डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हैं, अंबेडकर के बनाए हुए भारत के संविधान के विरोधी हैं। आरएसएस की जो अखिल भारतीय बॉडी है, जो निर्णायक जो डिसीजन मेकिंग की संस्था है, उसमें कोई भी दलित आदिवासी नहीं है क्योंकि प्रचारकों के उस स्तर तक दलित और आदिवासी पहुंच ही नहीं सकते।